बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा किसान नगर में सुशीला देवी पत्नी श्री प्रसाद रावत का खाता खुला हुआ था। सुशीला देवी के खाते में वृद्धा पेंशन निर्गत हो रही थी। इसी दौरान सन 2014 को खाता धारक सुशीला देवी की मृत्यु हो गई। खाता धारक सुशीला देवी की सन 2014 में मृत्यु होने के बाद भी लगातार उनके खाते में वृद्धा पेंशन निर्गत होती रही। और इतना ही नहीं, किसान नगर शाखा के बैंक ऑफ बड़ौदा में खुले खाते में जमा हुआ वृद्धा पेंशन का पैसा बैंक में ही कार्य कर रहे कर्मचारी के खाते में लगातार ट्रांसफर भी होता रहा। जब इस बात की जानकारी लोगों को हुई तो उन्होंने इस भ्रष्टाचार का खुलासा करना चाहा और उच्च अधिकारियों को उसके बारे में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उच्च अधिकारी भी कर्मचारियों को बचाने में लग गए। कार्यवाही करना तो दूर, शिकायतकर्ता के ऊपर ही अधिकारी दबाव बनाने लगे। सबसे बड़ी सोचने वाली बात जो यहाँ पर ये है कि आखिर मृतक महिला के खाते से किसी अन्य खाते में पैसा कैसे ट्रांसफर होता रहा। जब इस मामले में मीडिया ने संबंधित अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कार्यवाही का आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अब आप समझ सकते हैं, जब इस तरह बैंक के अंदर कर्मचारियों के द्वारा इतना बड़ा गोलमाल हो सकता है तो और संस्थानों के क्या हाल होते होंगे, क्योंकि सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को पलीता लगा रहे हैं बैंक कर्मचारी। इंडियन टाइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता राम शर्मा की। क्या नाम है? हमारा नाम विक्रम सिंह है। क्या मामला है? मामला ये कि हमारे चाचा के लड़के थे, उन्होंने क्रेडिट कार्ड बनवाया था, हम गए थे बैंक उसको पता करने, शामिल खाता में जमीन है तो बैंक वालों ने हमको बताया नहीं। वहीं पर हमने ये चर्चा सुनी कि मरे आदमी का पैसा निकाला जाता है यहाँ पर। किस बैंक का मामला है? बैंक ऑफ बड़ौदा किसान नगर। किस तरीके से जो है लोग थे जो खत्म हो गए थे, किस तरीके से पैसा निकला था, कौन कौन संदिग्ध? उसमें एक रविंद्र कुमार करके बैंक मैनेजर है, उस इस समय पर वो भीतर गाँव में उनका ट्रांसफर हो गया था, भीतर गाँव में है मौजूदा, उन्होंने ये सब काम गड़बड़ किया है। किस तरीके से पैसा निकल रहा था, उस पे कौन को निकाल रहा था? वो जो बिनौर गांव की हैं, लेडीज महिला मर गई हैं, वही जो उन्हीं के खाते से पैसा उनके घर उन्हें एक लड़के के खाते में ट्रांसफर होता था, बिनौर का गांव का रहने वाला वो भी है। बैंक में कर्मचारी है क्या? जो बैंक में कर्मचारी तो नहीं मालूम है हमको, मगर ये हम जानते हैं कि वहाँ पानी पिलाने के लिए बैंक वाले रखे हैं। उसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। इसकी शिकायत हमने रीजनल ऑफिस में शुक्ला जी हैं DRM करके, तो उनसे हमने शिकायत की, उन्होंने ये कह रहे थे कि तुम घर जाओ, हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद हमने फ़ोन किया, फ़ोन में हमको कह रहे थे कि दाल रोटी खाओ, सुकून से घर में रहो, अरे तुमको भी इसी केस में फंसा देंगे। अच्छा, कितने दिन से लगातार चल रहा है? ये 5-6 महीने से लगातार चल रहा है। किस तरीके से जानकारी आपको? हम वहाँ बैंक चाचा के लड़के के खेती के जो बेंच डाली है उनका क्रेडिट कार्ड था, उसी में जानकारी करने के लिए गए थे, तब जो वहाँ चर्चा हो रही थी, बार बार आदमी बैठ कर बात कर रहे थे। अच्छा, जो महिला खत्म हो गई थी उनके कितने समय से पैसा निकल रहा था, कितना टाइम हो गया? उनका करीब 2014 में वो खत्म हुई, तब से ना 2019 तक बराबर पैसा निकलता रहा खाते से।